हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, आज जो पोस्टर हम बनाने जा रहे हैं ये हाफ हैंडमेड पेपर पे है। एक्रेलिक कलर यूज़ होगा, इसे मैं 2 नंबर के ब्रश से बनाऊंगी और जो सब्जेक्ट है हमारा वो है पंचमुखी हनुमान, जो आप मुझे अभी बनाते हुए देख रहे हैं। हमेशा की तरह मैं शुरुआत चेहरे से कर रही हूँ और इसमें जो पहला मुख मैं बना रही हूँ वो हनुमान जी का है, जो कि हम फ्रंट में देखते हैं और उसके बाद साइड में हम 2 फेस बनाते हैं, जिसमें एक साइड हम हयग्रीव और नरसिंह का मुख बनाते हैं और एक साइड हम गरुड़ और वराह का मुख बनाते हैं। तो अभी मैं हनुमान जी का मुख बना रही हूँ और उसके बाद हम बाकी के जो उनके 4 मुख और हैं उन्हें भी बनाएंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं हनुमान जी का मुकुट बना रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हनुमान जी को हम राम भक्त हनुमान के रूप में जानते हैं और इनकी जितनी लीलाएं हैं उनमें एक बात तो स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है कि ये सभी शक्तियों से जो है वो सुसज्जित थे। इनके पास सभी प्रकार की शक्तियाँ थीं। जैसा कि हमने हनुमान जी की जब कथा को हम जानते हैं तो हम जानते हैं कि बचपन में इंद्र द्वारा इनकी ठोड़ी पर प्रहार करने के कारण ये मूर्छित हो गए थे और तब जब वायुदेव ने पृथ्वी पर अपना प्रवाह रोक दिया था तो सारे देवताओं ने इन्हें अपनी हर प्रकार की शक्ति और अपने आयुध जो हैं वो वरदान स्वरूप दिए और फिर खुश होकर वायुदेव ने जो पृथ्वी पर अपना प्रवाह शुरू किया और उसके बाद से हनुमान जी जो हैं उन्हें हम शक्ति बुद्धि सबके दाता के रूप में जानते हैं और वह एक परम भक्त भी हैं। भगवान राम के परम भक्त के रूप में हम उन्हें जानते हैं। राम जी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनकी सेवा में उनकी मदद में वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो आकाश में उड़ सकते हैं और हर एक प्रकार से वो अपने स्वामी की सेवा में जो है तत्पर रहते हैं। और ये पंचमुखी रूप जो अभी हम बना रहे हैं ये धारण करने का भी कारण भगवान विष्णु ही हैं और हम देखेंगे कि इनके जो रूप हैं, जो 4 मुख और हैं इनके, वो सब वो मुख हैं जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लिया हुआ है। तो वो इन्हें कैसे प्राप्त हुए इस बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ ऑर्नामेंट्स ड्रॉ करने के बाद फिर हम इनकी जो है लोअर बॉडी जो है उसे बनाएंगे और उसके बाद हम बाकी के चेहरे बनाएंगे। जब हम चेहरे बनाएंगे तो हम उस विषय में भी बात करेंगे कि वो चेहरे इन्हें किस कारण से प्राप्त हुए थे, वही चेहरे क्यों प्राप्त हुए थे, कोई और मुख उन्हें प्राप्त क्यों नहीं हुआ था। तो अभी हमेशा की तरह जब लोअर बॉडी बनाते हैं तो मैं ज़्यादातर बीच का जो कमरबंद का आँचल होता है उसे बनाती हूँ। तो अभी कमरबंद के आँचल को मैं पहले ड्रॉ करूँगी और फिर इनके दोनों साइड के पैरों को हम ड्रॉ करेंगे, जिसमें एक दाहिना पैर जो है उसे हम ज़मीन पे टिकाया हुआ बनाएंगे और बाएं पैर के घुटने को, जो मैंने बायां हाथ बनाया है, उसके नीचे हम ड्रॉ करेंगे। तो इससे ये घुटने के बल ज़मीन पर बैठे हुए से प्रतीत होंगे। जैसे आप देख रहे हैं दाहिना हाथ मैंने आशीर्वाद देते हुए बनाया है और बाएँ हाथ में मैं इनका जो आयुध हम बनाने वाले हैं उसमें से एक आयुध हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप में से मेरे जो भी सब्सक्राइबर दोस्त मिथिला पेंटिंग सीखना चाहते हैं, सिलेबस वाइज सीखना चाहते हैं, जो यूट्यूब से सीख भी रहे हैं उन्हें मदद भी मिल रही है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप सीखने के उत्सुक हों तो मेरी क्लासेस ज्वाइन करके आप इसे एक रूटीन वाइज सिलेबस वाइज भी सीख सकते हैं, जिससे कि आप इसे एज अ प्रोफेशन अपना सकें और विद फुल नॉलेज इस आर्ट को सीख सकें। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स इच्छुक होंगे वो मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आप मुझसे मैसेज के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं और उसके बाद फिर आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और पूरी डिटेल भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इन्हें घुटने के बल ज़मीन पर बैठा हुआ बनाएंगे, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इनका आँचल ड्रॉ कर रही हूँ। राइट साइड के हाथ के नीचे हमने आँचल बना लिया है और लेफ्ट हैंड को ड्रॉ करने के बाद फिर हम उस साइड का आँचल भी ड्रॉ कर लेंगे।
मैंने बाजू का कुछ ही पोर्शन दिखाया है क्योंकि बाकी में हम आंचल जो है उसे ड्रॉ करेंगे। तो आंचल बन जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। फ्रेंड्स, अब हनुमान जी के चेहरे के बाद जो पहला मुख मैं बना रही हूँ वो मुख है नरसिंह अवतार का। नरसिंह अवतार का मुख जो है वो विष्णु जी ने इन्हें क्यों प्रदान किया है। पहले तो हम ये जानेंगे कि विष्णु जी ने इन्हें ये चारों मुख क्यों प्रदान किए हैं। तो इससे रिलेटेड एक कहानी है कि मरियल नाम का एक दानव हुआ करता था जिसने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को चुरा लिया था और वह रूप बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर था। तब बजरंगबली हनुमान ने ये निश्चय किया, ये प्रतिज्ञा की कि वो भगवान विष्णु का जो चक्र है वो उन्हें वापस ला के देंगे। और तब भगवान विष्णु ने मरियल से युद्ध करने के लिए सक्षम बनाने के लिए हनुमान जी को ये पांच मुख का जो वरदान प्राप्त हुआ था, ये चार मुख जो उन्हें प्राप्त हुए थे ये उसी वरदान स्वरूप प्राप्त हुए थे जिसमें वाराह जो हैं वो समृद्धि और सुख के प्रतीक हैं, नरसिंह जो हैं वो भय उत्पन्न करने के लिए हैं, गरुड़ जो हैं वो हवा में वायु के वेग से ही उड़ने में सक्षम होने के लिए हैं, और हयग्रीव का जो मुख उन्हें प्राप्त हुआ था ये ज्ञान प्राप्ति के लिए हुआ था। दोस्तों, अभी जो दो चेहरे हमने बनाए हैं वो हयग्रीव और नरसिंह के हैं, और सेंटर में तो हम सब जानते हैं कि हमने हनुमान जी का मुख बनाया है। और मैंने आपको बताया कि ये जो मुख थे उन्हें क्यों प्राप्त हुए थे। और एक बार और रामायण में इस चीज़ की चर्चा है कि जब बजरंगबली ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था, और ये वो समय था जब अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का जो है वो धोखे से हरण कर लिया था और उन्हें कैद कर लिया था। तब हनुमान जी उसकी माया को तोड़कर उन्हें वापस तो ले आए थे, लेकिन फिर उन्होंने मकर ध्वज को छुड़ाने के लिए जब वो दोबारा वापस गए अहिरावण के लोक में, और वहाँ उन्होंने जाना कि अहिरावण का वध करना वैसे ही नामुमकिन जैसा है जैसे कि रावण का युद्ध करना, क्योंकि ये दोनों भाइयों का जो मृत्यु का कारण था वो किसी को भी ज्ञात नहीं था। ये दोनों मरेंगे कैसे ये किसी को भी नहीं पता था, इसीलिए ये दोनों भाई अहिरावण और रावण स्वयं को अमर समझते थे। तो बाद में उन्हें मकर ध्वज के द्वारा पता लगा कि अहिरावण के लोक में एक महामाया का मंदिर है जिसमें पांच दिशाओं में पांच दीप जलते हैं, और जब उन पांचों दीपों को एक ही बार में बुझा दिया जाएगा तो अहिरावण की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी और फिर उसका वध करना जो है वो आसान हो जाएगा। और फिर से जो हनुमान जी हैं उन्होंने अपना पंचमुखी रूप धारण किया था, और जो उत्तर की ओर था वो वराह का मुख रखा था, दक्षिण की ओर नरसिंह का मुख, पश्चिम की ओर गरुड़ का, आकाश की ओर हयग्रीव का, और पूर्व की ओर हनुमान जी ने अपना मुख रखा और एक ही बार में फूंक कर इन पांचों दीपों को उन्होंने बुझा दिया। और उसके बाद उन्होंने अहिरावण से युद्ध किया और उसे हरा कर उसका वध कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी जो पौराणिक कथाएँ हैं उनमें बजरंग बली के इस पंचमुखी रूप का जो है वर्णन है, और इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं पंचमुखी हनुमान के रूप में भी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमने एक और जो दो चेहरे बनाए थे उसके नीचे हमने पांच हाथ ड्रॉ किए थे बाईं ओर, और अब हमने दाहिनी ओर दो चेहरे ड्रॉ किए हैं जिसमें हनुमान जी के मुख से लगा जो मुख है वो गरुड़ का है, जिनके होने का कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और गरुड़ के मुख के बाद जो हमने बनाया है वो वराह मुख है। और अब हम इनके पांच हाथ दाहिनी ओर बना रहे हैं जिसमें एक हाथ हम ऑलरेडी आशीर्वाद देता हुआ बना चुके हैं, और बाकी के चार हाथ हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें हम आयुध बना रहे हैं जिसमें एक में हमने कलश बनाया है, एक में तलवार बना रही हूँ मैं, और बाकी जो दो हाथ और हम बनाएंगे उसमें से एक में मैं पाश बनाऊंगी और एक में मैं हनुमान जी के स्वयं का आयुध गदा ड्रॉ करूंगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रही हूं कि मेरे बाकी के पहले के काम की तरह आपको मेरा ये काम भी बहुत पसंद आएगा,
और वैसे ही जोश के साथ जैसे आप हमेशा मेरे साथ चित्रों को बनाने का प्रयास करते हैं, आप इसे भी बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। कुछ बिगनर्स हैं जिन्हें ये टफ ज़रूर लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि अगर आप इन चीज़ों को बनाना स्वयं से सीखना चाहते हैं और आप इसे इस प्रकार सीखना चाहते हैं कि आप भी जो चाहें बना सकें, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ही कम है, लेकिन आप बेस्ट बनाना भी सीखेंगे और आप किसी भी चीज़ को क्यों बनाते हैं उसके बारे में भी हम क्लासेस में डिटेल में जानकारी शेयर करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। क्लासेस जूम पर होंगी, तो आप में से जो भी लोग इस आर्ट को एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं या इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सीखना चाहते हैं, वो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी मैसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं और आप इस पे भी मैसेज अगर करते हैं तो मुझे जानकारी हो जाएगी कि आप ये सीखना चाहते हैं, तो हम आगे के प्रोसेस में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने नीचे का जो ज़मीन का जो पोर्शन था उसमें मैंने पहले स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं और फिर उन स्क्वायर्स में मैंने डबल कचनी की है। डबल कचनी करने के बाद मैंने जो डिज़ाइनिंग का हमारा वर्क है, ये जो पेंटिंग है, ये टोटली लाइन वर्क से कंप्लीट होगी। इसमें हमने भरनी का वर्क कहीं भी नहीं किया है, तो लाइन वर्क के ही थ्रू मैंने सारे ऑर्नामेंट्स, सारी डिज़ाइनिंग का वर्क किया है और अब लाइन वर्क के ही थ्रू हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मिथिला पेंटिंग में पेंटिंग करने की दो विधियाँ हैं, जिसमें एक लाइन पेंटिंग है और एक कलर पेंटिंग है। कई बार इन दोनों को सेपरेटली भी ड्रॉ किया जाता है और कई बार लाइन पेंटिंग विद कलरिंग भी की जाती है, लेकिन ये टोटली लाइन पेंटिंग है और इसमें मैं केवल दो ही कलर्स से यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें वो दो कलर हैं ब्लैक और रेड। ब्लैक का वर्क मेरा अब कंप्लीट होने को है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। आप अपने इतने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं इसमें रेड का वर्क करूँगी और फिर ये पोस्टर जो है ये टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने इतना वर्क शेयर किया है। आप बनाएं और फिर हम जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें हम इसे कंप्लीट रेड का वर्क करके कंप्लीट करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पेंटिंग बनाते रहें। बाय।